गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय IAS। इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी को BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटजी को देखेंगे। टाइम बहुत कम है और हम लोगों को सिलेबस भी कवर करना है और मल्टीपल रिविजन्स भी देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम को के बारे में बेस्ट डिटेल बताता है। आपको लग रहा है कि दूर है एग्ज़ाम, लेकिन बहुत तेज़ी से ये टाइम बीतने वाला है, बहुत तेज़ी से। शुरू करते हैं। देखिए, ये दो कम टाइम में हम मल्टीपल रिविजन दे सकते हैं इन दो बुक्स से, लूसेंट या क्रोन, दोनों हैं तो बेस्ट है, नहीं तो लूसेंट या क्रोन। इनमें भी आप लोग एक तरफ से मत शुरू करिएगा, इसमें भी आप लोग ऐसे निकालिए जैसे एंशिएंट इंडिया से आप कर रहे हैं मौर्य या गुप्ता पीरियड को, इसी तरह मिडिवल इंडिया से आपने कर लिया अकबर जहांगीर बाबर हुमायूं, एक साथ ये चार का कवर कर लिया। इस तरीके से आपको छोटे छोटे उसमें उसको ब्रेक करके करना है। इसी तरीके से आप आरबीआई कर लेंगे आप इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में आप चले जाएंगे तो आपने प्रेसिडेंट और गवर्नर को कर लिया। इस तरीके से आपको ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है, तभी हम लोग इसके मल्टीपल रिविजन्स दे सकते हैं और आप मोनोटोनस नहीं होगा, आपको मतलब आपका मन लगा रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। इस तरीके से आपको थ्री टू फोर रिविजन्स देने हैं एग्जाम से पहले पहले। इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के दो सोर्स हो सकते हैं, करंट अफेयर को दो तरीके से पढ़िए। एक तो आप ईयरली कंपाइलेशन कोई ले लीजिए, कोई भी, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन हो, या कि एजुटीरिया हो, कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन और एक यूट्यूब चैनल आप कोई भी पकड़ लीजिए, इस पर करंट अफेयर कराया जा रहा हो उसको आप करते रहिए। ये दो तरीके से हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा कवर होंगे। ईयरली कंपाइलेशन में क्वेश्चन कुछ मिस होते हैं, से 70% तक कवर हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको यूट्यूब चैनल से भी करेंगे तो आप 90-95% तक कर सकते हैं इसको। करंट अफेयर आपका इस तरीके से हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई एक बुक लेनी है बिहार स्पेशल के लिए, ज़्यादा मोटी बुक नहीं लेनी है, बस एक पतली सी कोई बुक ले लीजिए। उसके मल्टीपल रिवीजन करना क्या है, मल्टीपल रिवीजन देने हैं आपको। कोई भी एक बुक ले लीजिए मार्केट में अवेलेबल है बिहार स्पेशल की, और बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर, इन दोनों को मिला के मिनिमम 50 से ऊपर ही मिलेंगे, 50-55 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बिहार स्पेशल और करंट अफेयर को। इनको इन दोनों को एकदम आपको डूब के पढ़ना है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इन दोनों को डूब के पढ़ना है। मल्टीपल रिवीजन जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतने रिवीजन देखिए, क्योंकि स्टैटिक जो है ना वो माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, वो आप क्वेश्चन देखेंगे तो स्टैटिक याद आ जाएगा, लेकिन करंट अफेयर या बिहार स्पेशल थोड़ा सा जो बिहार से बाहर उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बिहार के अंदर है उनके लिए भी डिफिकल्ट है, तो इसके आपको मल्टीपल रिविजन्स देने। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एक अरिहंत का या KBC नैनो का या किरण का, किसी का भी एक आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। इससे दो तीन फायदे आपको हो जाएंगे। एक तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं आप उनको कर सकते हैं। दूसरा ई ऑप्शन एक होता है BPSC में, ABCDE, ई मतलब कि नन ऑफ द अबो और मोर देन वन ऑफ द अबो, बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है ई। तो ई ऑप्शन को किस तरह यूज़ करना है ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख कर ही समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कितना मार्क्स आपका आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में, कट ऑफ रहती है 98-100, जिसमें 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं वो आपका BPSC डिसाइड करता है। 5 क्वेश्चन मतलब आपको जो मिनिमम स्कोर करना है वो 105 प्लस ही रखना है। लास्ट ईयर ज़्यादा चला गया था, 107 या 8 था लास्ट ईयर, लेकिन ये आप 105 प्लस ही आपको टारगेट करके चलना है, इतने नहीं होगा, इस बार सीटें भी ज़्यादा हैं, तो 105 प्लस ही आपको स्कोर करना है हर हाल में। तो उसमें जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उनको भी, उसके आंसर BPSC क्या दे रहा है इस पर भी ध्यान देना है कि इसका आंसर BPSC क्या दे रहा है। कुछ आयोग के अपने आंसर होते हैं ना, चाहे वो UPPCL चाहे वो BPSC हो, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे या उसमें ई ऑप्शन किस तरह यूज़ करना है ये आपको इससे पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल को आपको एकदम डूब के पढ़ना है।
और लूसेंट या क्रोन में अगर दोनों हैं तो उससे करिए, नहीं तो किसी एक से करिए, लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक बांट कर करिए इसको, ठीक है। इस तरीके से करना है और स्कोर को हर हाल में 105 प्लस ही रखना है, 105 प्लस ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कवर करिए, इस तरीके से कवर करिए, और आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।